हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहे कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको लेकर चलने वाली हूँ एक ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह, जिसका नाम सुनते ही मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। और उसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में यमुना नदी के पास एक निधिवन नाम का जगह है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है, जिसके बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। और उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं निधिवन। यह है निधिवन का प्रवेश द्वार। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर जूते चप्पल निकालने के लिए टोकन मिलता है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और यहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार का सामान भी मिलता है, जो कि हम अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे राधा रानी को चढ़ाते हैं। कहा जाता है राधा रानी और कान्हा जी रोज रात में यहाँ पे आते हैं और राधा रानी अपना श्रृंगार करती हैं। वृंदावन में तुलसी के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि साइज में बहुत ही बड़े होते हैं नॉर्मल तुलसी से। और ये पेड़ जो है नीचे से बिल्कुल सूखे हुए रहते हैं, बट उनकी पत्तियां बहुत ही हरी भरी रहती हैं और ये आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ झुक। मान्यता है कि निधिवन की जो तुलसी है, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं तुलसी के, वास्तव में गोपियां हैं। ये पेड़ रात में गोपियों के रूप धारण करते हैं और रोज रात में श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। और ये भी माना जाता है कि रासलीला करते हुए अगर कोई छुप कर देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो पागल हो जाता है, या वो अंधा हो जाता है। पर बहुत सारे लोगों ने इस मान्यता पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण 12 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई बलराम के साथ गोकुल छोड़कर कंस मामा से युद्ध करने के बाद मथुरा चले गए थे और फिर वो वापस कभी लौट के नहीं आए। तो उनका निधिवन में रोज आना एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। पर भगवान को कोई दिल से कहीं भी पुकारेगा, वो कहीं भी चले आएंगे। यह है ललिता कुंड। कहा जाता है इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खुद खोदा था। पहले सिर्फ ये एक खड्डे की तरह था, बट भक्तों ने इसे प्लास्टर करवा के एक अच्छा सा कुंड बनवा दिया है। ये कुंड राधा जी की जो सबसे अच्छी सहेली थी ललिता, ये उनके नाम पर बना हुआ है। यहाँ का जो तुलसी का पेड़ है ये बहुत ही अलग तरीके का होता है। यहाँ जैसा तुलसी का पेड़ कहीं पे भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। और कहा भी जाता है कि ये सारे पेड़ की जड़ सिर्फ एक है और बाकी सारे एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इनकी सारी जो शाखाएं होती हैं ये सब सूखी हुई हैं, बट इनकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी हैं। और इनको पानी देने का कोई भी स्रोत नहीं है, ये वैसे ही उगी हुई हैं। यहाँ आकर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम साक्षात कान्हा जी से मिल रहे हों और उन्हें छू सक। बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था यहाँ के कड़ कड़ में कान्हा जी बसे हों। ये फीलिंग इंसान शब्दों में नहीं बता सकता, ये सिर्फ फील करने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि यहाँ पर आने पर ही पता चलती है। बहुत ही अच्छा लग रहा था।
यहाँ पर मंदिर बना हुआ है बंसी चोर। तो यहाँ पर राधा जी कान्हा जी की बंसी चोरी करके छिप गई थी, तो इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर उन भक्तों की समाधियाँ हैं जिन्होंने कान्हा जी को देखा है छिप करके नृत्य करते हुए, रासलीला करते हुए, तो उन भक्तों की समाधि यहाँ पर बना दी गई है जिससे वो हमेशा कान्हा जी के चरणों में वास कर सकें। ये है रंग महल। यहाँ पर कहा जाता है कि रासलीला करने के बाद कान्हा जी और राधा रानी विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी की जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रख दी जाती हैं। पानी रख दिया जाता है, पान रख दिया जाता है और लड्डू रख दिए जाते हैं और भोग प्रसाद रख के इनको 7 ताले के अंदर बंद करके चले जाते हैं पुजारी। और फिर सुबह 4 बजे ये ताला खुलता है। 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, यहाँ तक कि बंदर भी चले जाते हैं, कोई भी जानवर यहाँ पे नहीं रहता। फिर जब इसको सुबह खोला जाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही चमत्कार देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रात में सारी श्रृंगार की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, पान और भी जो चीज़ें, पानी सब कुछ रखा जाता है, वो सब बिखरी हुई मिलती हैं। पान चबाया हुआ मिलता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं और जो चुन्नी होती है वो सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं। ये देखिए पान चबाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिनको कान्हा जी ने अपनी भक्ति का वरदान दिया है वो इन सब बातों पर तो विश्वास करेंगे, और जिनको नहीं विश्वास है उनको क्या ही कर सकते हैं। तो सारे भक्त जन बोलो राधे राधे। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।